लोकसभा चुनाव नतीजे आने के ठीक पहले चुनाव आयोग के आयुक्तों में मतभेद की खबरें उनके बीच तनातनी के रूप में सामने आना इस संस्था की छवि के लिए ठीक नहीं। चुनाव आयुक्त अशोक लवासा इससे क्षुब्ध बताए जाते हैं कि आचार संहिता के उल्लंघन की शिकायतों को लेकर जो फैसले लिए गए उनमें उनकी असहमति को फैसले का हिस्सा नहीं बनाया जा रहा। वह इस हद तक रुष्ट हैं कि आयोग की बैठकों में भी शामिल नहीं हो रहे हैं। पहली नज़र में यह लगता है कि यदि किसी फैसले में चुनाव आयुक्त की असहमति है तो वह दर्ज होनी ही चाहिए, लेकिन वास्तव में मामला यह है कि अशोक लवासा अपनी असहमति को फैसले का हिस्सा बनाकर उसे सार्वजनिक करना चाहते हैं। एक तरह से वह यह चाह रहे हैं कि चुनाव आयोग में सुप्रीम कोर्ट वाली वह व्यवस्था लागू हो जिसके तहत यदि किसी 3 सदस्यीय पीठ में कोई एक न्यायाधीश शेष 2 न्यायाधीशों के विचारों से अलग विचार रखता है तो फैसले में यह लिखा जाता है कि उन्होंने बहुमत के विपरीत ऐसा ऐसा कहा। अशोक लवासा की मांग तब उचित कही जा सकती थी जब पहले भी ऐसा होता रहा हो। आखिर जब पहले चुनाव आयोग की ओर से बहुमत के लिए गए फैसले में असहमति जताने वाले आयुक्त की टिप्पणी फैसले का हिस्सा नहीं बनती थी तो अब क्यों बननी चाहिए? समझना कठिन है कि अशोक लवासा एक नई परंपरा क्यों स्थापित करना चाह रहे हैं। उनकी आपत्ति इसलिए अनावश्यक लगती है क्योंकि किसी भी मामले में चुनाव आयुक्तों की ओर से जो भी फैसले लिए जाते हैं उनका निर्धारण बहुमत के आधार पर होता है और फैसले पर विचार करते समय किसने क्या कहा इसका विवरण फाइलों का हिस्सा बनता है। जो असहमति किसी न किसी रूप में दर्ज होती ही है उसे सार्वजनिक करने की अपेक्षा क्यों? अशोक लवासा यह क्यों चाह रहते हैं कि देश दुनिया को यह पता लगे कि बहुमत से लिए गए फैसलों में अल्पमत वाला विचार उनका था? एक समय चुनाव आयोग में एक ही आयुक्त हुआ करता था। जब TN सेशन मुख्य चुनाव आयुक्त थे तब उसे 3 सदस्यीय बनाने का फैसला किया गया। इसके पीछे मकसद यही था कि आयोग कहीं अधिक नीर छीर से ढंग से फैसला ले। TN सेशन के बाद चुनाव आयोग अपने 3 आयुक्तों के साथ प्रभावी ढंग से काम करता रहा और यदि कभी उनके बीच मतभेद रहे भी तो वे इस तरह सार्वजनिक नहीं हुए जैसे अब हुए हैं। किसी संस्था में मतभेद होना कोई खराब बात नहीं, खराब बात है
मतभेदों को तूल देना। फिलहाल यही हो रहा है। चुनाव आयोग ही नहीं, किसी भी संस्था के हित में यही है कि मतभेदों के बावजूद मिलकर काम किया जाए। पता नहीं मुख्य चुनाव आयुक्त सुनील अरोड़ा के स्पष्टीकरण के बाद चुनाव आयुक्त अशोक लवासा अपने रुख में नरमी लाते हैं या नहीं, लेकिन यह ठीक नहीं कि वह अपनी असहमति को कुछ ज़्यादा ही तूल देते हुए दिख रहे हैं। कम से कम जिम्मेदार पदों पर बैठे लोगों को तो ऐसा करने से बचना ही चाहिए।